श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे एक वास्तु के अंदर आए हुए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक ईशान कोण के अंदर उन्होंने एक रसोई घर बना रखी है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो उन्होंने ग्रीन स्टोन यूज़ किया हुआ है। वो बहुत ही अच्छी अच्छी बात है, एक वास्तु की टिप्स, बहुत अच्छी टिप्स है। जब जब ईशान कोण के अंदर अगर आपकी रसोई घर आ रही है, तो आपको हमने हमारे ही वीडियो में दिखा रखा है कि आप एक क्रिस्टल बॉल लगाइए, ग्रीन स्टोन रख दीजिए, ग्रीन लाइट लगा दीजिए, और आप एक वाटर एलिमेंट यहाँ पे लेके आइए। वाटर एलिमेंट यानी एल्यूमिनियम की डायरेक्शन रोड। तो आज पूरी लाइव करके दिखा रहे हैं कि अगर खाली आप ग्रीन स्टोन पे ही अपना काम करवाना चाहते हो तो क्या रिजल्ट आता है। दो चीज क्यों इसमें इंट्रोड्यूस की गई है, क्रिस्टल बॉल और एक एलिमेंट्स रोड। तो पहले सबसे पहले हमारे सहयोगी ईशान कोण के अंदर हमने यहाँ पे फायर को क्रिएट किया हुआ है। अभी हमने एक ही फायर लगाई है। जब यहाँ पे फायर की मात्रा बढ़ेगी तो इसकी क्या फ्रिक्वेंसी आती है वो आप देख लीजिए। हम यहाँ पे दूसरी भी फायर जला रहे हैं जिससे हमें यहाँ पे पता चले। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दोनों फायर एक्टिव कर दी है, यानी फायर एलिमेंट्स यहाँ पे हमने उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी है। हमारा सहयोगी यहाँ पे इसकी फोटोशूट कर रहे हैं जो आपको पूरा हम लाइव करके दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये लाइव कंसल्टेंसी का फायदा यही है कि आपको प्रत्यक्ष सब पता चले। आज आप आपके घर के अंदर एक लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए की कोठी बना चुके हैं, और वहाँ पे ईशान कोण में अगर आपकी आपकी किचन के ईशान कोण में किचन है तो क्या उसका दोष है? ये आपका घर आप कहीं परचेस कर रहे हैं या रेंट पे जा रहे हैं और यहाँ पे ऐसा कोई दोष है तो उसका क्या रिजल्ट है, पूरा आपको हम दिखा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे, अब मैं ये पूरी यहाँ पे कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, पूरा लाइव देखिए। यहाँ पे फोटो शूट हो चुका है और यहाँ पे मेरे पीछे यहाँ पे एक गैस है और वो अभी चालू ही है, यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एकदम क्रिएट है और यहाँ पे हम पूरा उसका स्कैनिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे तो एनर्जी यहाँ पे देखिए, पहले 100% तक गई, अब 60% हो रही है। पूरा लाइव आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे कहने का भाव अर्थ है कि ये ग्रीन स्टोन आपको कितनी इफेक्ट दे रहा है। बाकी यहाँ पे जीरो हो जाना चाहिए, पर 54 यानी 54 तक यहाँ पे एवरेज एनर्जी मिल रही है ये ग्रीन स्टोन की वजह से। अगर आपको हमारी पिछली वीडियो में हमने खास बताया है कि ईशान कोण के अंदर अगर आपकी रसोई घर है तो उसमें खास नीचे आपको प्लेटफॉर्म बनाना है तो ग्रीन कलर का ही बनाना है। नॉर्थ में अगर आपकी किचन है तो ग्रीन कलर, ईस्ट में किचन है तो ग्रीन कलर, ईशान में किचन है तो ग्रीन कलर। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसी रेमेडी रख के दिखा रहे हैं जिससे इसकी एनर्जी और हम बढ़ा सके। अभी आपको पूरा लाइव दिखा रहे 54% एवरेज एनर्जी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्रिस्टल बाल रखी है, रॉक क्रिस्टल बाल। तो यहाँ पे आपको हमने ईशान कोण के अंदर, अभी यहाँ पे हमने एक बाउल के अंदर रख दी है फायर जोन, फायर के एकदम करीब। तो ये क्रिस्टल बॉल क्या रिजल्ट देगी, यानी ग्रीन स्टोन तो अवेलेबल है, साथ में क्रिस्टल की भी थ्योरी हो गई, और साथ ही साथ अब हम यहाँ पे करेंगे एक वाटर एलिमेंट रोड। अब यहाँ पे वाटर एलिमेंट की रोड रखिए, आप देख रहे हैं। तो ये है हमारी वाटर एलिमेंट एनर्जी बूस्टर एल्यूमिनियम की रोड है। अब इस रोड को हम यहाँ पे, ये जो हमारा फायर का जो प्लेस है नीचे की तरफ अर्थ लेवल, वहां पे इस रोड को रखेंगे। क्रिस्टल को भी हम यहाँ पे ही रख रहे हैं और रोड को हम नीचे रखेंगे, पर फ्यूचर में ये क्रिस्टल बॉल हम ऊपर हैंग करवाएंगे सीलिंग पे, जिससे ये डिस्टर्ब ना हो। तो फ्रेंड्स, पूरा आपको लाइव दिखा रहे, कहीं पे भी ऐसा कोई भी हमने यहाँ पे नुस्क नहीं रखा कि आप पूरा समझ सकोगे। देखिए दूर से सुन, अब उसको नीचे रख दीजिए, बस वहां पे रख दीजिए, बेस्ट। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो हमने वहां पे एक एलिमेंट्स रोड रख दी है, उसको दिशा के हिसाब से रखिए। तो यहाँ पे हमने रख दी है, अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं जिससे आपको पूरा पता चले कि यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं। तो ये एलिमेंट्स की रोड आ गई। तो ये हमारी संस्था के द्वारा बनाई गई रोड है और ये क्रिस्टल बॉल भी हमारी संस्था आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन ईशान कोण की अगर आपके किचन के अंदर यूज कर रहे हो तो एक हिसाब से हम ये किचन को वैलिड गिन सकते हैं, बट तोड़ना तो पड़ेगा ही। ईशान कोण में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये तो थोड़ा वास्तु की थोड़ी हमें नॉलेज है और थोड़े प्रैक्टिकल कर चुके हैं, और लोगों के भी विभिन्न विभिन्न जो हमारे यूट्यूबर है जो वास्तु से रिलेटेड है उनकी वीडियो के अंदर भी जो हमें नॉलेज मिली यहाँ पे शेयर की हुई है। तो आपको पूरा नॉलेज दिखा रहे जो आप समझ सकते हो। अब इसके एक फोटो गिरानी है, फोटो शूट करना है हमें। देखिए पूरा लाइव दिखा रहे हैं, अब यहां पे हम फोटो शूट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पूरा एकदम यहां पे हमारी फोटो शूट हो चुकी है।
अब पिछली बार यहाँ पे 54 एनर्जी थी, जो भी हमारी आपकी वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। अब ये हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। क्रिस्टल बॉल, वॉटर एलिमेंट रोड, ईशान कोण के अंदर और फायर एक्टिव, और उनका खुद का रेमेडी का एक जो टिप्स है वो ग्रीन मार्बल, इतना कॉम्बिनेशन चाहिए तो यहाँ की एनर्जी को हम कुछ बैलेंस कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्कैनिंग चल रही है और यहाँ पे जो इसका पूरा रिजल्ट निकल के आया है, 100% रिजल्ट निकल के आ रहा है। दिखाइए इनको, पूरा स्कैनिंग हो रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा लाइव है। अब हम इस रिपोर्ट को सबमिट कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं और ये आपको पूरा दिखा रहे हैं, 100% एक्सलेंट एनर्जी। पर ये पूरा उपाय करना पड़ेगा, अगर ये उपाय नहीं कर पा रहे तो ये हमारे लिए एकदम अधूरा रहेगा। बट अब जैसा जैसा क्लाइंट का बजट हो वो ऐसा कर सकते हैं। एक नमक का भी यहाँ पे उपाय कर सकते हैं, नमक भी उनको यहाँ पे बेनिफिट देगा, क्योंकि सोल्ट इज द बेस्ट प्रोडक्ट है। सोल्ट को अगर घर में रखेंगे तो हमेशा सी सोल्ट को घर में रखने से हर प्रकार के वास्तु दोष का नियंत्रण होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।